हेलो गाइस संडे का दिन था तो भटकते भटकते हम लोग तीनों प्राणी आप पहुंचे थे पंचित पे क्योंकि हमें जानना था पंचित का जो प्लेस है वो पिकनिक के लिए कैसा है क्या इसका चार्जेस पड़ेगा क्या पिकनिक अंदर करने के लिए कोई चार्जेस देना पड़ता है या कुछ और चीज और साथ में हमें देखना था कि इको टूरिज्म पंचित में कैसा है क्या हम लोग नेचर की गोद में समय बिता सकते हैं तो हमें बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसी के क्रम में हम लोग जाने के लिए सुबह का कर लंच करके हम लोग निकल चुके थे और अपना पहला पड़ा पहुंच चुके थे पतलावाड़ी मोड़ पतलावाड़ी मोड़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है पंचित के लिए क्योंकि पंचित का मार्केट जो है डीबीसी स्थिति खराब होने के बाद थोड़ा डाउन हो चुका है थोड़ा क्या लगभग लगभग बहुत कुछ डाउन हो चुका है तो अगर आप खाना पैक करा कर ले जाना चाह रहे हैं पंचित में तो ये आपका अंतिम ऑप्शन है इसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप जो भी पैक कराना है यहाँ चार पांच होटल है यहाँ आपको रॉ मटेरियल ला के भी दे सकते हैं जो बनवा के रेडी करके आपको दे देंगे और आप चाहे तो रेडीमेड भी पैक करा के ले सकते हैं और अगर आपको बेटर बेटर खाना का ऑप्शन चाहिए तो आपको जाना होगा चिरकुंडा जो कि यहाँ से लगभग लगभग छः से सात किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से आपको चार पाँच रेस्टोरेंट है उसका भी वीडियो डाल देंगे आने वाले वीडियोज़ में तो वहाँ से पेक करा के आप सीधे आ सकते हैं पंचित की ओर पतलावाड़ी मोड़ से जो जीरो पॉइंट का डिस्टेंस है वो लगभग ढाई किलोमीटर है जीरो पॉइंट अर्थात तो वो पॉइंट है जहाँ पे झारखंड और बंगाल का बॉर्डर कटता है मतलब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करता है उस पॉइंट को जीरो पॉइंट बोला जाता है जीरो पॉइंट के पास चाय पीने के लिए बढ़िया एक मीठा का दुकान है जहाँ पे आप मीठा वगैरह खा सकते हैं नाश्ता कर सकते हैं और इसके जो रेट है वो नॉर्मल रेट है आपको सिंगड़ा छह रुपये के आसपास मिल जाएगा और मिठाई जो है आठ से दस रुपये मिल जाएगा ये जो रास्ता अंदर से जो जा रहा है वो आपको जा रहा है पंचित मार्केट की ओर और, और सामने हम लोग निकल गए हाइडिल की ओर यहाँ बगल में कब्रिस्तान है कब्रिस्तान जैसे पार कीजिएगा आप तुरंत पहुंच जाइएगा हाइडिल के ऊपर हाइडिल का नजारा बहुत खूबसूरत था और चूँकि ये पिकनिक का सीजन थे जिस कारण से कुछ ही दिन पहले लगभग लगभग तीन चार महीना पहले अच्छे से पेंट पुताई हुआ था इसका ब्रिज का और ब्रिज का काम भी चल रहा था थोड़ा सा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था इस ब्रिज का जो है अपना एक इतिहास है क्योंकि भारत का पहला बहुउद्देश्य परियोजना है और नेहरू जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था 1948 में डीबीसी की स्थापना हुआ था और उसके बाद का जो पहला प्रोजेक्ट था डी का वो पंचित था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित नेहरू जी वो यहाँ आए थे पंचित में इसको उद्घाटन करने के लिए और बुधनी मेझाई जो थी उन्होंने यहाँ का जो नेहरू जी को माला पहनाए थे जिसके बाद जो आदिवासी समाज है वो बुधनी मांझी को जो है बहिष्कृत कर दिया था तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है पंचित के पीछे और समाज में वो इज्जत बुधनी माझी को नहीं मिल पाया जो वो एक्सपेक्ट करती थी डिजर्व करती थी वो इसी कहानी को पार करते करते हम लोग आप पहुँचे थे एक नए मोड़ पर जो मोड़ में अगर हम कट जाते बाएँ तरफ तो हम सीधे पहुँच जाएंगे नेहरू पार्क में और सीधे अगर चल जाएंगे, तो साढ़े पाँच किलोमीटर का ब्रिज है उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बंगाल पर तो हम लोग क्या किए सबसे पहले चल गए पंचित पार्क क्योंकि हमें ढेर सारा मस्ती करना था संडे था फ्री था कोई असुविधा नहीं था जिस कारण से हम चल गए पंचित जैसे जैसे पंचित पार्क बढ़ रहे थे हमें फील हुआ कि नहीं अभी भी जो है पिकनिक का सीजन खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे कुछ होटल्स है दो तीन होटल से लेकिन इनका जो टेबर है अभी थोड़ा हाई था क्योंकि भीड़ थोड़ा ज़्यादा था मातरा होटल जनरली इसका कुछ चलता उलते है नहीं लेकिन अभी भीड़ के कारण थोड़ा सा उसका एटीट्यूड हाई था या गाड़ी पार्क कर दी पार्किंग का चार्जेज है छोटे बाइक के लिए बीस रुपया और बड़े व्हीकल के लिए सौ रुपया और बस उसके लिए पाँच सौ या उससे अधिक वसूल कर रहा था और सामने दुकानें दिख रही थी सामने की जो दुकान है वो लगभग लगभग चार्ज एम आर पी पे सामान को प्रोडक्ट को बेच रहे थे उनका कहना है कि जो दुकान है वो शॉप आपको बसंत पंचमी तक ही मिलेंगे उसके बाद जो है ये सब उठ जाते हैं टेम्पोरी शॉप है इसके बाद हम लोग बढ़े पंचायत की ओर पहले तो फील हो रहा था कि जनवरी खत्म होने को है पार्क एकदम सन्नाटा मिलेगा क्योंकि जनरली ये पार्क जो है नेहरू पार्क ये सन्नाटा ही मिलता है ये पार्क नहीं है ये एक सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है पिकनिक स्पॉट है आप इसके अंदर खाना बना सकते हैं कोई चार्जेस नहीं है खाना बनाने का आप रसोईया लाइए सामान ले आइए और अगर आप चाहते हैं कि सामान हायर करना यहीं पर हायर रेंट पर लेना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ के लोगों का तेवर थोड़ा ज़्यादा है आपको देना नहीं चाहेंगे जनरली नहीं देना चाहते हैं और देते भी है तो बहुत हाई है और बहुत पैदा होता है उससे अच्छा कप ले आइए ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर खाना पैक करा के आइए सामने मेला लगा हुआ था बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और बड़ों के लिए खाने के अलावा कुछ और चीज़ें नज़र नहीं आया इसके साथ देखिए कि भीड़ बहुत कुछ था और गार्डन है नेहरू पार्क नाम है लेकिन यहाँ जो है पार्क के अंदर फूल ऊल का दूर दूर से कोई नज़ारा नहीं दिख रहा था कोई रिश्ता ही नहीं था फूल ऊल से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें दिख गया सेल्फी पॉइंट तो बिना देर के हुए हम लोग पहुंच गए सेल्फी पॉइंट के पास और सेल्फी लिए और उसके बाद बढ़ गए आगे की ओर क्योंकि आगे दिख रहा था थोड़ा सा और कुछ दुकानें दिख रही थी हमें लगा कि देखते हैं क्या है दुकान में और दुकान में तो जैसे ही गए हमारा बाबू जो है वो तुरंत देखो उसका सुरसुरी बाँसी जो है वो लेके वहाँ से निकल लिया तो दुकानदार भी हंसने लगा उसके बाद दुकानदार को पैसे दिए जनरली वो जो है पाँच रुपये का मिलता है लेकिन यहाँ हम लोग से पंद्रह रुपये ले लिया तो इसके बाद हम लोग चल गए आगे की ओर देखिए आगे भी बहुत सारा दुकान लगा हुआ था हैंडी क्राफ्ट का दुकान था और लेडीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए लोग के पास बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट था और बच्चों के लिए प्रोडक्ट था क्योंकि ये जनरली बच्चे ही आते हैं बच्चों का पार्क है डेली जो है शाम को तीन से पाँच बजे के बीच में थोड़ा भीड़ रहता पे है बच्चे वहाँ पर आते हैं खेलने कूदने के लिए और ढेर सारे प्रोडक्ट था मेनली लेडीज के लिए जो लेडीज पर्स वगैरह था वो सब था और घर डेकोरेट करने के लिए हैंडीक्राफ्ट लकड़ी से बना हुआ सामान मिल रहा था इन दुकानदार से बात किए दुकानदार भैया कैमरा में आने से शर्मा रहे थे लेकिन उनका कहना है कि ये दुकान है बसंत पंचमी तक रहेगा उसके बाद हम लोग अपना दुकान समेट लेते हैं और कई बाहर लोग दुकान लगाते हैं ये भैया से बात करने का प्रयास किए लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे इसलिए हम लोग कैमरा वहाँ पर बंद कर दिए उसके पास एक गोल घेरा बना हुआ था बीच में वहाँ पर पंडित नेहरू का मूर्ति है और को देख रहे हैं चश्मा उसको पहन के घूम रहा था पंडित नेहरू जी का मूर्ति उस उसी मतलब याद में बना हुआ है कि 1950 में जो हुआ था उस समय ये आए थे तो उन्हीं के सम्मान में ये मूर्ति है और उन्हीं के नाम पे ये पार्क रखा गया है पार्क 2005 में बनकर तैयार हुआ था और दो हजार में ये पार्क लगभग लगभग खत्म की और आगे बढ़ रहा था क्योंकि डीवीसी इसका मेंटेनेंस नहीं कर रही थी पार्क में बहुत मस्ती किए बहुत मज़ा आया उसके बाद पार्क के अंदर खाना का जो रेट है चाट लगभ लगभग तीस रुपये के आसपास था गोलगप्पा जो था वो आपका ठीक ठाक दे रहा था दस में शायद चार या पाँच दे रहा था गोलगप्पा गोलगप्पा खाए नहीं बस रेट पूछ के आगे बढ़ गए क्योंकि हमें आप लोग को जानकारी देना था इसके साथ बहुत सारे फैसिलिटीज़ है पिकनिक करने के लिए जगह जगह नल की व्यवस्था है बड़ी बात यह है कि पिकनिक अगर आप यहाँ करने आते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता अलग से पिकनिक करने का बहुत सारे जगह वैसा है जहाँ पिकनिक करने के लिए अलग से चार्जेस लगता है बैठने के लिए बहुत सारे जगह बना हुआ है और बच्चे एकदम बिल्कुल यहाँ बोर नहीं होंगे बच्चों के खेलने के लिए झूला बना हुआ है थोड़ा सा बड़ा बच्चा अगर है दस पंद्रह साल का बच्चा तो भी झूल सकता है उसके ऊपर का बच्चा जो है झूल नहीं सकता है इस टाइप का यहाँ रिस्ट्रिक्शन है जो है यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए एक झूला है और आप बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं लेकिन इतना भीड़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है खाली मिलना हर हाँ समय कोई ना कोई बैठा रहता है लंबे इंतजार करना पड़ता है इसे बाबू इसमें झूलना में बैठना चाह रहा था बहुत इंतजार किए हम लोग लेकिन जगह नहीं मिला इसके बाद हम लोग निकल गए क्योंकि आपको दिखाना था हाइडिल और हाइडिल के पास हम लोग आ गए बाहर का नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत दिख रहा था हाइडिल और चूँकि कैमरा जो है थोड़ा अच्छा से फोकस नहीं कर पा रहा था लेकिन एक्चुअल जो जो है बहुत अच्छा लोकेशन यहाँ से दिख रहा था बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और पिकनिक करने का जो एक्चुअल में स्पॉट है वो एक्चुअली यहीं वाला है जो आप पे हम लोग खड़े हैं यहाँ भी एक बस आया हुआ था बस में लोग से बात कर नहीं पाए क्योंकि लोग शर्मा रहे थे कैमरा के पास आने से व्यू जो है बहुत अच्छा आ रहा था और इनके जो नीचे जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो लोग एक्चुअली पिकनिक कर रहे थे वहाँ से हम लोग निकल गए और नीचे जो पिकनिक करने का जगह था वो बहुत अच्छा था इसके बाद हम लोग अपना बाइक लेके निकल गए आगे की ओर क्योंकि हमें मेनली जाना था इको इको रिसॉर्ट्स के ऊपर क्योंकि हमें जानना था कि नेचर के गोद में रहने का क्या चार्जेस आएगा क्या हम लोग वहाँ रुक सकते हैं इसके साथ ही हम लोग के सामने मंदिर आए क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना था इसलिए तो 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 मंदिर में घुस नहीं पाए बाद में नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको दिखाएंगे मंदिर के अंदर कैसे से दिखता है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए आगे बढ़ने के बाद जो है जो पार्क का व्यू था वो एकदम लग रहा था कि हम लोग ड्रोन से फोटो ले रहे हो ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था भीड़ उड़ जो है गाड़ी वगैरह सब कुछ ऊपर से दिख रहा था और ऊपर से रुकने के बाद दोबारा हमने वीडियो शूट किया और पार्क का बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा था जो गोल वाला झूला है ऊपर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था उम्मीद यही है कि रात को अगर आते तो शायद और अच्छा दिखता लेकिन ठंड की वजह से हम लोग दिन में ही चले गए और यहाँ से जो व्यू है डैम का बहुत अच्छा दिख रहा था मतलब एक अच्छा फील आ रहा था कि नहीं यार बहुत अच्छी जगह पर आए हैं तो इस तरफ से हम लोग का जो जर्नी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था जिस कारण से हमने ब्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहला पार्ट हम लोग पंचित दिखाएं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इको रिसोर्ट्स के बारे में दिखाने वाले हैं चार पांच रिसोर्ट्स से आगे वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और नेचर की गोद में तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर ले थैंक यू